गाइस हेलो हेलो हे गाइस कैसे हो आप लोग हाउ आर यू ऑल डूइंग हेलो डू यू डू हाउ आर यू डू हेलो गाइस गां चले गए सारे बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बेटा आज बहुत ही अमेजिंग सा सेशन होने वाला है आज बहुत ही अमेजिंग तूफानी सेशन होने वाला है आज हमारा फ्रेंड मार्कवा एक स्पेशल डाइट पे जाने वाला है ठीक है तो यस इट विल बी एन अमेजिंग सेशन जल्दी से आ जाओ सारे के सारे बच्चे जल्दी आ जाओ यस yes. आज बेटा बहुत ही तूफानी होने वाला है आज बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है ठीक है एंड यस वी विल बी डूइंग मेंटी बट मेंटी से पहले हम हमारे दोस्त मार्कवा के बारे में जानेंगे मार्कवा एक स्पेशल डाइट कर रहा था तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे ठीक है बच्चों माय oh गॉड गया यस yes. परफेक्ट तो जल्दी से आ जाओ अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो एंड जल्दी से हम तब तक हमारे अभिषेक सर का डांस देखते हैं दां आज रिजल्ट निकलने वाले थे ना कैसा हुआ बताओ बताओ सारा दिन मोबाइल में बैठा रहता है पढ़ाई तो करनी ही नहीं है तुम्हें ये क्या पढ़ाई हुई ये क्या नया बेटा सेट्यूशन रात यूजिंग योर फुल पोटेंशियल आगे बढ़ो पर कैसे करें ये सब सोचते हैं पढ़ता ही रहता था मैं आँख अपनी खोल के और याद करता चीजों को दस बार बोल के नकली सी किताबें जिसने ज्ञान सारा छोड़ के सिखाया मुझको आगे बढ़ना असलियत को मोड़ के राजा मिलको पढ़ाते हैं समझना भी है सिर्फ समझना नहीं बरतना भी है पढ़ने का मतलब सिर्फ रखना नहीं रटे बिना बेनामा लाना भी है बिल्डू बेटा अब करते हैं सारी जिम्मेदारी हम, हम लेते हैं बेटर नहीं अब के बेस्ट फूल गह रहे हम लेते हैं अजमिल को तो पढ़ाते हैं दिखाते हैं आजा गी गी भैया हमारा अभिषेक सर यस गाइस ए के आर ओपी इन द चैट बॉक्स परफेक्ट ग्रेट जॉब गाइस आज हम मिलके मचाते हैं सबको दिखाते हैं <laughs>

ओलंपियाड लिटमस टेस्ट फॉर क्लास फाइव टू लेवेंथ जो भी बच्चा एम करता है कि उसको फिजिक्स ओलंपियाड केमिस्ट्री ओलंपियाड मैथमेटिक्स ओलंपियाड या बायोलॉजी ओलंपियाड आप किसी भी ओलंपियाड में गाइस पार्टिसिपेट करना चाहते हो दिस इज द प्लेस फॉर यू वी विल प्रिपेयर यू ताकि आप इंटरनेशनली जाके इंडिया का नाम रोशन करो हमारे यस yes, नीरज चोपड़ा जी अगर क्या ना उसी तरह आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा ठीक है बेटा जो भी बच्चा लगता है जिसको कि वो फिजिक्स में अच्छा है केमिस्ट्री में अच्छा है मैथ्स में अच्छा फिजिक्स है, ये टेस्ट दे दे 14th of August, को तीन बजे बॉक्स no रजिस्टर दे 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 करो एंड यू कैन विन अपू सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज वर्थ ऑफ कूपन ठीक है यस चलो आगे चलते हैं तो आज का सभा स्टार्ट करते हैं हमारा मार्क वो आया मारकवा बोला कि उसका वेट बढ़ गया लॉकडाउन में कितने बच्चों का वेट बढ़ गया लॉकडाउन में कितने बच्चों का वेट बढ़ गया लॉकडाउन में किसी के साथ हुआ है कि वेट बढ़ गया सर बहुत ज्यादा बैठे बैठे ऐसा किसी के साथ हुआ है बहुत सारे बच्चों का बढ़ गया ठीक है तो मारकुआ परेशान हो गया देख रहे हो मार्कवा का पेट बड़ा हो गया तो हैव पुट ऑन गुड अमाउंट ऑफ वेट मार्कवा दुखी है तो मार्कवा आया हमसे पूछने हमने सजेस्ट करा मार्कवा बेटा तीन तरह की डाइट कर सकते हो जोन डाइट कीटो डाइट इंटरमीडियंट फास्टिंग मार्कवा बोला ई का है ई का है कीटो जोन डाइट कीटो डाइट इंटरमीडियंट डाइट ये सब क्या है हमको नहीं पता है ना हमने बोला मार्कवा देखो बेटा ठीक है जोन डाइट ये होती है बेटा देखो ये हमारा आइडिया है कि आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे पाए ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से आपको न्यूट्रिशन थोड़ा समझा पाए तो जोन डाइट क्या होती है बेटा जिसमें बैलेंस फोर्टी परसेंट कार्बोहाइड्रेट थर्टी परसेंट फैट थर्टी प्रोटीन इन ईच मील मतलब जोन डाइट मतलब प्रॉपर गिन गिन के नहीं खाते कि मतलब <coughs> हाँ एक चावल ज्यादा खा लिया तो वैसे वाली डाइट होती है फिर होती है हमारी कीटो डाइट इसमें क्या होता है बेटा ये ना फैट वाली डाइट होती है इसमें ना ज्यादा फैट खाते हैं वाई डू दे ईट मोर फैट ताकि आपकी बॉडी को आदत हो जाए फैट को डाइजेस्ट करने की मतलब उसमें आप बटर के क्यूब्स खाते हो चीज वाली डाइट खाते हो तो इससे क्या होता है आपकी बॉडी को ना हैबिचुअल हो जाती है तो डाइजेस्ट फैट तो वो क्या करती है जो आपका एक्स्ट्रा फैट है उसको भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है समझ रहे उसको कहते हैं कीटो डाइट फिर एक होती है इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट <laughs> मतलब थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम से खाना ठीक है तो कैन बी डन यो कैन बी डन कोई भी एक डाइट तुम चूज कर सकते हो है ना तो चूज करेंगे मार्कवा बोला हम फैट खाएंगे, फिर हम फैट कम करेंगे तो मार्कवा ने मीन प्लान डाउनलोड करा और मार्कवा चीज सैलेड खा रहा है बी एल टी सैलड खा रहा है, है ना बर्गर खा रहा है <laughs> और स्नैक्स में मतलब फैट बेस्ड डाइट मार्कवा फैट फैट खा रहा है मार्क इज ईटिंग लॉट्स ऑफ फैट ठीक है फॉर कीटो डाइट बट मार्कवा की जिंदगी में सुकून नहीं है मार्कवा फिर से बीमार हो गया ओ इट वर्कड एंड आई लॉस्ट सिग्निफिकेंट वेट बट आई हैव डिसाइडेड अदर प्रॉब्लम बेचारे को और प्रॉब्लम हो गई जिंदगी में मार्कवा फिर गया डॉक्टर के <laughs> ये डॉक्टर हमारी डॉक्टर ने बोला मार्ग तुम्हारे हो गया है ऑस्टियोपोरोसिस तुम क्या खा रहे हो मार्का बोला हम कीटो डाइट कर रहे हैं <laughs> डॉक्टर ने बोला आओ तुम्हारा कीटो निकालते हैं किसने बोला तुम्हें कीटो करने के लिए तो मार घबरा गया मार्ग बोला क्यों मैम क्या हो गया मैडम ने बोला कि जब कीटो डाइट करते हो तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और चीजों की कमी हो जाती है ठीक है तो मैडम मार कपोड़ा तो मैडम हम क्या करें अब वॉट शुड आई डू तो मैडम बोली <laughs> अभी हम बताते हैं तो बेटा प्लीज अंडरस्टैंड कभी भी ना यूट्यूब यूट्यूब पे देख के कोई भी डाइट मत प्लान यूज मत कर लिया करो ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड योर बॉडी इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वॉट यू ईट तो मेन चीज होती है कि आप अनटाइमली खाना छोड़ दो ईट एट प्रॉपर टाइम्स मॉर्निंग में लंच में आप डिनर में ती, तीन टाइम खाओ और बीच में स्नैक्स थोड़ा थोड़ा और स्नैक्स भी चिप्स विप्स मत खाया करो चिप्स हो गया नमकीन वमकीन ये, ये सब मत खाया करो ठीक है ट्राई टू ईट फ्रूट्स नट्स हो गए ठीक है ये सब चीजें खाया करो समझे चलो तो ये ये बेटा अमेरिकन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलता है कि ठीक है मतलब ये फालतू ये कहानी बोलता है कि थर्टी ग्राम ऑफ सैचुरेटेड फैट है ना स्ट्रिक्ट अवॉइडेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कैन लिमिट डाइवर्सिटी ऑफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स डाइट इंक्रीज द रिस्क न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डाइटरी एनालिसिस शोज दैट कंज्यूमिंग कीटोजेनिक डाइट इससे क्या होता है बेटा कैल्शियम कम हो जाता है विटामिन डी फॉस्फोरस और मैग्नीशियम कम हो जाता है जिसकी वजह से बोन्स आपकी वीक हो जाती है ठीक है तो जिसकी वजह से बोन्स हमारी वीक हो जाती है चलो अब इसकी बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं कहानी समझ आ गई सबको सबको कहानी समझ आ गई क्वेश्चन करते हैं हम करेंगे तो ये है एक्चुअली एम 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 था माइटी मार्क्वा ऐसा कुछ था लेट अस डू दिस बच्चों जल्दी से रजिस्टर कर लो go to www.menti.com and put the code 94607227 अब जल्दी से हम सवाल करेंगे एवरी वन लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दैनल मैंने बताया हुआ है जो तुम्हारे सीनियर बच्चे हैं ना जो तुम्हारे टॉप तुम्हारे ऊपर वाले बच्चे हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं तुम लोगों को पता है ना क्यों नंबर आए हैं उनके अच्छे किसी को पता है कि जो तुम्हारे से पहले वाला बैच है ट्वेंटी 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 वन वाला बैच उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं तुम्हें पता है उनके क्यों नंबर आए हैं अच्छे किसी को पता है <laughs> yes, बेटा बता, बताओ उनके अच्छे नंबर क्यों आया क्योंकि वो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर देते थे वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर देते थे चैनल को सब्सक्राइब कर देते थे <laughs> यस। तो जो जो, जो जिंदगी में अपने अच्छे नंबर स्कोर करना चाहता है देख लो भगवान देख रहा है हमें पता नहीं बाकी आपके ऊपर है भगवान देख रहे हैं ठीक है चलो आगे चलते हैं जिंदगी में ये रहा हमारा सवाल विच इज द मेन ऑर्गन इन डाइजेशन ऑफ फैट विच इज द मेन ऑर्गन फॉर डाइजेशन ऑफ फैट माउथ किडनी लार्ज इंटेस्टाइन और लिवर विच इज द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फैट कॉमन गाइज एंड गाइज थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर आपके 75% से ज्यादा आए तो वी विल कॉल इट एज हलवा क्वेश्चन अगर 50 टू 70 रहा तो ओपी लल्लन टॉप क्वेश्चन एंड लेस देन फिफ्टी इट इज जिंदगी तबाह करने वाला क्वेश्चन <laughs> ठीक है लेट अस सी अरे यार दिस इज सो डैम इजी ये लार्ज इंटरस्ट वाले बच्चे कौन है बेटा द मेन ऑर्गेनिक डाइजेशन ऑफ फैट इज लिवर लीवर प्रोड्यूसेस व्हाट जूस लीवर कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है व्हाट इज द जूस लिवर प्रोड्यूसेस बच्चों तो टॉप क्वेश्चन हो गया जिंदगी तबाह करने वाला क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों क्या लगता है तुम्हें जिंदगी तबाह करने वाला क्वेश्चन था कि ये लल्लन टॉप था जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या था तबाही क्वेश्चन था जिंदगी तबाह तिल कैसे आते हैं मोन तिल कैसे आते हैं हैं बेटा ये अक्यूमलेन ऑफ ब्लड की वजह से होता है मेरे ख्याल से और मेलेनिन अक्यूमुलेट हो जाता है मेलनिन ट हो जाता है तो वहां पे मोल आ जाते हैं पावनी फैन ऑफ नीरज चोपड़ा बेटा हम भी बता रहे हैं तुम लोग भी बन जाओ हम बोल रहे हैं ओलंपियाड वीओएलटी ओ एल टी का एग्जाम दे दो और अपना नाम रोशन करना हाय बेटा निहारी का अमृतसर बेटा अमृतसर इज योर फैन बेल अर्पण कुमारी हाई बेटा आयशु प्रणय सैन जोस यूएसए डॉक्टर सेंटीपीट अपूर सर यू आर द बेस्ट प्ले रिमेम यस बेटा थैंक यू बेटा अपूर्व ये कौन है बाईजू अंकल आए हमारे साथ खेलने वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू वॉट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वेरी गुड क्वेश्चन माउथ स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन माउथ स्टमक लिवर माउथ पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन माउथ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वट ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट हा 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 कैसा लगा हमारा सवाल बच्चों तुम्हें कैसा लगा हमारा सवाल <laughs> ओ मुझे लग रहा है आज सबकी जिंदगी तबाह होने वाली है अरे यार थर्टी सेवन है उस दिन तो बड़ा हीरो बन रहे थे सारे के सारे बच्चे कि हम हलवा सवाल ला रहे हो हलवा दिवस हो गया हलवा दिवस तुम्हारा आज होगा तबाही दिवस <laughs> आज क्वेश्चन हमने खुद बैठ के बनाए हैं हमने <laughs> आज होगा तबाही दिवस क्या कहते बच्चों जिंदगी तबाह होगी यार ये तो बहुत ही इजी था यार माउथ में होता है ठीक है स्टमक में थोड़ी ना डाइजेशन होता है फैट का है ना सॉरी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन फैट में स्टमक में कहां होता है नहीं होता ना कार्बोहाइड्रेट का नहीं कार्बोहाइड्रेट है ना पैंक्रियटिक बनाता है माउथ इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, Mouth, yes. in Mouth, intestine, intestine में नहीं होता ये देखो बच्चों को आदत पड़ गई हमने बेटा तुम्हारी साइकोलॉजी सीख लिया है हमें समझ आ गया था यस <laughs> yes, आया चलो अगला करते हैं बेटा देखो माउथ स्टमक में देर इज नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग बी इज रॉन्ग आल्सो इन द लार्ज इंटेस्टाइन देर इज नो डाइजेशन ऑफ कार्ब तो दैट इज आल्सो रॉन्ग तो माउथ पैनक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर इन्वॉल्वड इन डाइजेशन ऑफ दिस चलो देखे गाइस यू नीड टू वर्क हार्ड बेटा दोबारा देखना पूरा वेरी गुड बेटा पावनी श्रेया श्रेया हायर मैथ, अमृतसर ओपी बेटा यू आर ओपी जैटी डू यू रिमेम्बर मी यस बेटा प्रज्वल आशी वाइश फर्स्ट टाइम इन लीडर वेरी गुड बेटा चंद्रा चंद्रा रात्री शर्मा वेरी गुड बेटा टोनी स्टार्क बेटा तुम तो सुपरमैन बन गए टोनी स्टार्क आज वंदना एंड एकता टीम टीम बना के खेल रहे हो भूमिका अमृतसर आर्मी यस yes. तो बेटा ये आर्मी बन रही है देख रहे हो ये सारे लीडर बोर्ड पे जो है वो हमारे एवेंजर्स हैं थर्ड क्वेश्चन गाइस रेडी यस व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल दिस क्वेश्चन बी व्हाट डू यू थिंक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल दिस बी कम ऑन गाइज यस हियर इट इज Which enzyme is involved in digestion of protein? Which enzyme is involved in digestion of protein? Let us see, beta. Pepsin, ptyalin, P T Y A L I N. है पहले वाले में ptyalin, trypsin, pepsin, bile, pepsin, trypsin. बताओ. हाँ हाँ. भैया एक बच्चा पूछ रहा है कौन से चैप्टर का है बेटा ये केमिस्ट्री का है <laughs> oh, oh, बच्चों <laughs> फिर अगेन लल्लन टॉप हो गया बेटा ये बच गए तुम हलवा नहीं कर पाए बट या गुड वन गुड वन गाइस आई अप्रिशिएटेड वेल डन पेप्सिन इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बट पटाइलिन इज प्रेजेंट सलाइवरी अमाइलेस को पटाइलिन कहते हैं ठीक है वो कार्बोहाइड्रेट में होता है तो ये भी रॉन्ग है पेप्सिन एंड बाइल बाइल इज यूज फॉर डाइजेशन ऑफ फैट पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन सही जवाब वेरी गुड इट्स अ लल्लन टॉप क्वेश्चन बच्चों बताओ सवाल कैसे लग रहे हैं इफ यू लाइक द क्वेश्चन सब्सक्राइब टू दैनल एंड लाइक द वीडियो यस नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू लाइक द सवाल सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो यश अमृत ओपी प्रज्वल लीथल कामाक्षी लवली शिवांग ह्यूज फैन बेटा वी आर योर फैन बच्चे प्रणीता एक्टर बेटा विक्रम इज माई फेवरेट तमिल एक्टर देन आयुष स्नेहा अमृत बेटा यू आर ओपी रितिका ग्रेट जॉब परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर फोर हियर इट इज वॉट इज द फंक्शन ऑफ विलाय वॉट इज द फंक्शन ऑफ विलायजॉर्ट एड्जॉर्ब्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन बोथ बी एंड सी वाह वो बताओ क्या होगा इसका जवाब बच्चो कमऑन एवरी वन ट्राई टाइ ट्राई वाह वाह मजा आया जिंदगी तबाह हो गई <laughs> अरे यार बच्चों वॉट इज दिस इट इट इन ऑफ ऑफ द डाइजेस्टेड फूड बोथ दिसम आर राइट राइट बोथ ऑफ देम आर राइट विलाई क्या होता है विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वा वहां पे क्या करता है वो ऑफ़ द डाइजेस्टेड फूड एंड इट इंक्रीजेज सर नो बस यही तो बात है यही तो हम चेक कर रहे थे बच्चा कह रहे देखा ही नहीं बेटा अच्छे से करा करो तो दिस वाज अगेन जिंदगी तबाह करने वाला क्वेश्चन टुडे इज तबाही दिवस आज बच्चे सब फेल पड़ गए बच्चों आज सारे बच्चे फेल हो गए चलो जल्दी से लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू तो चैनल। बिकॉज <laughs> जिंदगी तबाह करने वाला सवाल आया वेरी गुड बेटा यश प्रणीता परसिस प्रज्वल लवली कामाक्षी शिवम लीथल जैटी रितिका वरुण गगन नहीं हारेगा ओके okay, बेटा गगन कोई नहीं हारेगा रेडी अगला सवाल करे क्या तुम तैयार हो बच्चो बोलो हाँ हम तैयार हैं क्या तुम तैयार हो आर गाइस रेडी बोलो हाँ तैयार है कौन एवरी चैट बॉक्स हाँ तैयार है क्या तुम तैयार हो हाँ नहीं यू है तैयार है हा हा हम तैयार हैं वेरी <laughs> गुड <Very good. laughs> चलो आगे चलते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज बताओ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट इज ग्लूकोज फैटी एसिड एंड ग्लिसेरोल अमीनो एसिड एल्कोलॉइड द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज कम गाइज अरे यार ओह वेरी गुड चलो फाइनली क्लैप्स क्लैप्स फॉर एवरीवन एक हलवा क्वेश्चन करा है बच्चों ने बहुत ज्यादा तालियां बजाई जाए बच्चों अपने लिए तालियां बजा लो बढ़िया जल्दी से <laughs> अपने लिए तालियां बजा लो खुद के लिए शाबाश सरदार खुश हुआ वेरी गुड फाइनली 85 प्लस परसेंटेज लाइक ग्रेट जॉब गाइस अमेजिंग वर्क वाह वेरी गुडा यश प्रणिता प्रज्वल लवली कामाक्षी शिवांग ऋतिका गगन वरुण शान्वी हाई फाइव हाई फाइव बेटा हाई फाइव प्रिटी प्लीज सर हाई फाइव बेटा देन क्या है वेरी गुड चलो य सिक्स्थ क्वेश्चन पैंक्रियास हैज डबल रोल ऑफ पैंक्रियास का डबल रोल क्या है स्टोरेज एंड डाइजेशन डाइजेशन एंड अब्जॉर्बशन डाइजेशन एंड एंडोक्रेन एक्टिविटी नन ऑफ दी अब पैंक्रियास के दो रोल कौन से हैं

है ना आपने सुना होगा अंकल को डायबिटीज है उन अंकल को डायबिटीज क्यों है क्योंकि उन अंकल का पैंक्रियास क्या बनाते हैं अंकल का पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना पाता ठीक है वेरी गुड डन बेटा यश प्रज्वल लवली शिवांग कामाक्षी गगन अनु क्रू क्रू साइका स्वयं प्रकाश सुलक्ष मेहता ग्रेट जो बेटा एंड ये रहा हमारा आखिरी सवाल और आखिरी सवाल से पहले मैं जल्दी से आपको का एक क्रैश कोर्स उसके बारे में बता देता हूँ ठीक है क्विकली आई विल टेक जस्ट टू मिनट्स ऑफ योर टाइम अरे गया देखो ये हमारी क्लास चल रही है फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द वीडियो गाइज एंड नीचे आप सब्सक्राइब कर लो फिर आप इसके नीचे देखोगे यू विल सी बाई विदान तू एन टी एस सी क्रैश कोर्स यहां पर क्लिक करो यहां पे आ जाएगा बच्चे पूछते हैं कि एन टी एस सी है क्या बेटा एन टी एस सी क्या होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम इसमें क्या होता है जो बच्चे इसमें स्टेज वन और स्टेज टू होता है जो बच्चे स्टेज वन और स्टेज टू क्लियर करते हैं उनको गवर्नमेंट रिक्नाइज करती है और उनको स्कॉलरशिप मिलती है वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज फॉर क्लास इलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ एवरी मंथ मतलब एवरी मंथ यू विल गेट ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी रुपीज ठीक है अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं यू नो फाइनेंशियली अपने आप को कैसे मतलब दिस विल हेल्प यू टू बिकम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड कॉलेज में भी ये आपको गवर्नमेंट दो हजार रुपए हर महीने भेजती है अगर आप सेलेक्ट होते हो तो समझ रहे हो तो इट इज अ गुड थिंग अपार्ट फ्रॉम द मॉनिटरी एस्पेक्ट पैसों के अलावा ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करती है क्योंकि आप नेशनल के टॉप पूरे इंडिया के टॉप बच्चों में आ जाते हो जब आप एन क्लियर करते हो समझ रहे हो तो ये चीजें आपके अगर आप अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हो तो उसमें भी हेल्प करती है एनडीए में भी हेल्प करती है बच्चों के ठीक है तो जो भी बच्चा

तो हमारे वेदांतु का टॉप टॉप का रिजल्ट है क्या 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 मिलेगा सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सोशल स्टडीज एप्टीट्यूड होता है ठीक है यहां पे क्लासेस में क्या होगा पूरी लाइव क्लासेस होंगी डाउट सॉल्विंग होगी और जो बच्चों ने टॉप करा है एनटीएससी में वो आके आपसे बात करेंगे आपको मास्टर क्लास देंगे रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी सेशन 14 मॉक टेस्ट 14 आपके मॉक टेस्ट होंगे ठीक है एक बार बताओ कौन कौन एन में पार्टिसिपेट करना चाहता है किस किस को लगता है कि हाँ यार मुझे एन टी एस सी देना चाहिए? Yes, हाँ, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए होगी मुझे अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनानी है मुझे देखना है कि मैं इंडिया लेवल पे कहां पे स्टैंड करता हूं. कौन कौन देना चाहता है बेटा जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में हाउ मेनी ऑफ इन इंटरेस्टेड या मेनी दम आर इंटरेस्टेड परफेक्ट बेटा बहुत अच्छी चीज है इससे कहते हैं आपने अपने आप को टेस्ट करते हो इन सब चीजों से ठीक है एंड Yes, यूज द कोड ए आर प्रो टू गेट टेन परसेंट ऑफ उस पर क्लिक करा बाई नो पे यहां पे आए अपना ईमेल आई डी डाला एंड यू विल कम ओवर यू ठीक है इफ यू कैन सी ये यू कैन पुट द कोड ए आर प्रो यू विल गेट इट फॉर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है बेटा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एंड इसमें डाउट सॉल्विंग इन्वॉल्व है मतलब आपको कभी भी कोई पढ़ते हुए डाउट आता है उसको ऐप पे डालो इमीडिएट आपको रिजल्ट मिल जाता है ठीक है

एंड नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग ऑन सिक्सटीन ऑफ ऑगस्ट ठीक है तो मेनी ऑफ मेनी स्टूडेंट्स हैलरेडी एनरोल एक बैच ऑलरेडी चल रहा है एक या दो बैच चल रहे मेरे ख्याल से तो यू कैन ऑल्सो एनरोल डोंट वेट है ना स्टार्टिंग से ही लगे रहो ठीक है गाइज जितनी आप मेहनत अभी करोगे ना वो फ्यूचर में दिखेगा अभी स्कूल थोड़ा लाइट है कोचिंग थोड़ी लाइट है कोर्स कम हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स करके बैठ जाओ आई वुड से कि हाईली एकदम पूरा पावर लगा के पूरी प्रैक्टिस करो ठीक है परफेक्ट चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा आखिरी सवाल जिंदगी का चलो यस गाइस आर यू गाइस रेडी जल्दी आ जाओ तैयार मेजर फंक्शन ऑफ द एचसीएल ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज मेजर फंक्शन ऑफ एच एल ऑफ गैस्ट्रिक प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम फूड िटेट अब्जॉर्ब्शन ऑफ फूड बेटा मेजर फंक्शन पूछा है मेजर फंक्शन बताना आपको वट इज द मेजर फंक्शन कमौन कमौन ओ एग्जैक्टली मतलब एकदम हलवे पे है बेटा देखो

ओ यश अमृ यश यश बेटा यू आर ओपी गाइस एवरीवन क्लैप फॉर यश एंड यस यश ओपी इन द चैट बॉक्स यस बेटा यश ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब यश अमेजिंग गाइस गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग यू गाइज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट आप जितने भी बच्चे हो क्लास टेंथ के नाइन्थ टेंथ के बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयारी करते हो है ना स्टे कनेक्टेड विद अस वही वी कैन सी द डेडिकेशन आप सारी क्लासेस करते हो आप हमारे यूट्यूब पे क्लासेस करते हो ठीक है तो स्टे कनेक्टेड विद विधानतू नाइन्थ एंड टेंथ चैनल गाइज है ना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो बिकॉज वी आर गोना बी देयर विद यू टिल द द एंड ऑफ एग्जाम हम लोग आपके साथ रहेंगे जुड़े रहेंगे ठीक है तो यस वी विल नॉट लेट यू मिस इवन सिंगल मार्क एंड वी विल एंश्योर जैसे आपके सीनियर्स के स्कोर आए हैं 95 प्लस आप लोगों के 99 प्लस परसेंटेज आने चाहिए सबके हम कीप स्माइलिंग डो नॉट फर्ग टू लाइक द वीडियो शेयर विद सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेटस नो वीडियो वॉज द मेंटी क्विज वॉज हलवा क्विज ललन टॉप और तबाही वाला क्विज ओके I right, see in the next video. have a great day. lots of love. take care. Bye-bye. See you tomorrow.